बागपत के बड़ौत में विकास का रियलिटी चेक करने पहुंची हमारी टीम को यहां की जनता ने बताया कि यहां कनेक्टिविटी और जाम बड़ी समस्या है। बड़ौत में कोई बस स्टैंड न होने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता की शिकायत के बाद एक बस स्टैंड तो बना, लेकिन 3-4 किलोमीटर दूर। स्थिति यह है कि बस स्टैंड होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता और सभी बसें सड़क पर ही खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति रहती है। सड़क पर पहले से यहाँ पर कोई बस स्टैंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर खड़ी होती है। कह बहुत बार कह लिया, कभी अड्डा वहाँ पहुँचा दें चौराहे से परे, कभी कहीं। अपनी तरफ से तो बेचारे बहुत कुछ कहीं करें, पर जगह तो नहीं है, ये भी मजबूर हो जाए। फिर सड़क पर बजट है और थाम देना, साइड में रोकनी चाहिए गाड़ी। साइड में खड़ी हो जाए तो फिर जाम भी नहीं लगता यहाँ, और जो सड़क पर खड़ी हो जाए फिर जाम भी लगे, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो नए स्टैंड मिल जाए तो कहीं अच्छी जगह बढ़िया खड़ी हो जाएंगे गाड़ी। इतनी दिक्कत होती है कि पूछिए, लंबी लाइन लग जाती है, 1.5 किलोमीटर तक की। और यहाँ पर जितना प्रॉब्लम होती है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, हॉर्न दे रही पीछे, मतलब इतनी प्रॉब्लम है जैसे कोई हिसाब नहीं है। सांसद जी क्या कर रहे हैं? सांसद जी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है मामला। कोई देख रहे इन चीज़ों को। हमने बड़ौत के विधायक कृष्णपाल मलिक से बस स्टैंड की समस्या के बारे में जवाब तलब किया। जवाब में विधायक जी ने अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए खुद अपने विधायक निधि से भराव कराकर उनमें खनंचा लगा के इतने टेम्परेरी व्यवस्था की है और वो वहीं से ही बस का संचालन शुरू किया है। हमने बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह से भी बड़ौत में बस स्टैंड की समस्या के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा दिया। कहा कि ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम बता रहे हैं। बस स्टैंड की बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो। बस स्टैंड की जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है, उसमें अभी जगह तलाशी जा रही है और जगह मिल जाएगी तो बन जाएगा। बड़ौत के लोग पिछले कई साल से इलाके के मुख्य रेलवे क्रॉसिंग पर एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं। दरअसल यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या ज्यादा है, इस कारण से क्रॉसिंग का गेट अक्सर बंद रहता है और फ्लाईओवर ना होने के कारण जनता को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। इसे बंद होने से आधा आधा घंटे जाम लगा रहे हैं यहाँ, और जब खुलते हैं तो बाइक वाले इधर से भी अड़ा दें, इधर से भी, दोनों साइड से लगा दें। मांग क्या कर रहे हैं आप? मांग तो पुल की ऊपर की थी, पहले अंडरपास बना रहे थे, अंडरपास के लिए हमने मना कर दी थी ना। प्रॉब्लम है, हमें ड्यूटी पे आना जाने में प्रॉब्लम होती है, एक एक डेढ़ घंटा जाम लगा रहता है। कोई भी इसमें सोल्यूशन आज तक हुआ ही नहीं, क्या बताएं आपको, बताओ। सांसद जी कुछ नहीं बोलते, सांसद जी तो अपना हो गया, अपने घर बैठे बस टेंशन। हमने बड़ौत के विधायक से जाम और फ्लाईओवर के बारे में सवाल किया। हाँ, उसकी जाम की समस्या को देखते हुए पिछले दिनों में लंबे टाइम तक नगर पालिका परिषद में हम चेयरमैन रहे हैं, मैं रहा हूँ, मेरी पत्नी रही हैं, तो हमने डिवाइडर बनवाया, फाटक के उस तरफ डिवाइडर बनवाया, इस तरफ डिवाइडर बनवाया, ताकि लोग तहजीब से खड़े हो सकें और लाइन से चल सकें। रही उसकी फ्लाईओवर की, कुछ लोगों ने उसमें एतराज़ किया, अब हमारा आर्थिक लाभ नुकसान हो जाएगा, हमारा मार्केट ख़त्म हो जाएगा, हमारा रोजगार चला जाएगा, तो उस पर फिर निर्णय हुआ कि अंडरपास बना दें ताकि इनका व्यापार भी बरकरार रहे और लोगों की जाम की स्थिति से भी निजात पा सकें। उस पर भारत सरकार का ये निर्णय था, तो उस पर अभी काम चल रहा है कि क्या होगा।